स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में, मैं हूं मुस्कान। पश्चिम बंगाल में चुनाव के चलते लगातार अब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल के हावड़े जिले में मतदान के दौरान कई लोग जख्मी हो गए हैं, जो इस हादसे का आरोप सीधे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी पार्टी को ही वोट दे इस तरह की मांग करते हुए स्थानीय लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। ये आरोप पीड़ितों ने स्वराज माध्यम से बात करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि इन्हें बीजेपी पार्टी को ही वोट दे इस तरह की मांग को लेकर मारा पीटा गया है, और साथ ही साथ इन लोगों के घर में घुसकर बच्चे और महिलाओं पर भी अत्याचार करने का आरोप सामने आ रहा है। तो आइए सीधे रुख करते हैं पीड़ितों की हालत की ओर। बूथ है 175 नंबर वार्ड है, 100 माने बूथ तो नंबर 185 जयरामपुर कुशरंगा प्राथमिक विद्यालय। क्या घटना? कुछ घटना कुछ हुआ ही नहीं है। वो लोग फटाक से तो कुछ नहीं हुआ, वो लोग गाड़ी लेके आ रहा है, आके धूमधाम करके ऐसे चावल दे रहा था जो आर्मी, वो लोग बोला आके बीजेपी का इलेक्शन, वो लोग का बीजेपी का वोट ही नहीं है उधर में। क्यों वैसे झूठ मूठ आके बोला इधर इतना जम, इसने कहाँ बैठा है, कहाँ भाई इधर कहाँ बैठा है, हम लोग दूसरे गज का अंदर का बाहर में बैठा है। सीआरपी लोग नहीं है उसका सब वहाँ पे, जहाँ पे आपका घर के बाहर बैठा था लोग, जहाँ वोट का पर्ची कटता है वहाँ पे 2-3 आदमी बैठा हुआ था, और वहाँ पे जो वोट का पर्ची दे रहा था 2-4 आदमी वहाँ इकट्ठा हो गया। आपका केंद्र वाहिनी आया उधर से, 10 आदमी आ कर के मारना, 2-4-5 आदमी को मार के घर में खाना खा रहा था लोग, घर खाना खा लेडीज़ लोग को भी मारा, बच्चा लोग भी मारा, मार के वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद पूरा वहाँ पे मैंने वो फैल गया वोट तो अच्छा शांति सर ऑटोमेटिक नहीं हुआ। और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज। स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।